हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपना राइट फाउंडेशन कैसे चूज़ करना है। आजकल मेकअप करना किसे पसंद नहीं है, सबको मेकअप करना बहुत ही पसंद है। लेकिन अगर हम बात करें मेकअप के बेस की, जो कि फाउंडेशन से ही होता है, अगर वही सही नहीं होगा तो हमारा मेकअप ऑफकोर्स गंदा ही लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो फाउंडेशन का शेड है वो आपके स्किन टोन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हैं कि हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग कैसे फाउंडेशन को चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप्स के फाउंडेशन होते हैं। तो फाउंडेशन गाइस चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है लिक्विड फाउंडेशन, सेकेंड आता है स्टिक फाउंडेशन, थर्ड आता है क्रीम फाउंडेशन एंड फोर्थ आता है पाउडर फाउंडेशन। तो अगर मैं बात करूँ लिक्विड फाउंडेशन के बारे में, तो लिक्विड फाउंडेशन जो होते हैं वो ऑल स्किन टाइप पे जाते हैं, हर स्किन पे वो सूट होते हैं। तो नेक्स्ट है स्टिक फाउंडेशन। तो जो स्टिक फाउंडेशन होते हैं ना, वो ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होते हैं, बिकॉज़ कि उनकी जो स्किन होती है वो ऑलरेडी मॉइस्चराइज होती है। तो उस पर क्या होगा, हम स्टिक फाउंडेशन अप्लाई करेंगे ना, तो वो अपने आप मेल्ट होगा और अच्छे से ब्लेंड होगा। तो ऑयली स्किन वालों के लिए स्टिक फाउंडेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो जो स्टिक फाउंडेशन होते हैं ना गाइज, वो सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, और वो उनका बजट भी बहुत हाई होता है। तो नेक्स्ट हमारा फाउंडेशन है क्रीम फाउंडेशन। तो जो क्रीम फाउंडेशन होता है ना गाइस, वो थोड़ा सा थिक होता है, और ये वाला जो फाउंडेशन है ना वो ड्राई स्किन वालों के लिए एकदम परफेक्ट है, या फिर नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आता है पाउडर फाउंडेशन। तो जो पाउडर फाउंडेशन होता है ना गाइस, वो ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होता है। मैं यहाँ पे एक बात आपको नोट करा दूँ, जिसकी जो ड्राई स्किन वाले होते हैं ना, वो स्टिक फाउंडेशन या फिर पाउडर फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो ऑलरेडी ड्राई होती है। तो अगर वो स्टिक फाउंडेशन या पाउडर फाउंडेशन अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे, उनका जो बेस है वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, और मेकअप जो है बहुत ही केकी और पैची हो जाएगा। जितने भी ड्राई स्किन वाले हैं उन्हें लिक्विड फाउंडेशन ही यूज़ करना चाहिए। तो फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको अपनी स्किन टोन से मैच फाउंडेशन कैसे लेना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो स्किन टोन है वो कौन से कलर का है, और आपका जो अंडरटोन है वो कौन सा है। ध्यान रखें, यहाँ पे स्किन टोन एंड अंडरटोन दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों का कलर अलग होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूँ स्किन टोन की, तो स्किन टोन जो है वो तीन टाइप के होते हैं, लाइट, मीडियम एंड डार्क। तो ये तीन टाइप के स्किन टोन होते हैं। जैसे कि हमें पता चल जाता है ना, हम किसी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, इनकी जो स्किन है वो थोड़ी फेयर है, यानी कि वो लाइट स्किन टोन का है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुत डार्क भी स्किन नहीं है और बहुत लाइट भी नहीं है, तो वो क्या है, नेचुरल स्किन टोन है। बट कुछ स्किन टोन ऐसे होते हैं जो डार्क होते हैं, वो हमें देख के पता चल जाता है कि हाँ, इनकी जो स्किन टोन है वो डार्क है, ये हमें देखते ही पता चल जाता है। और अगर मैं बात करूँ अंडरटोन की, तो वो कैसे पता चलेगा कि आपका अंडरटोन क्या है। तो सबसे पहले अंडरटोन भी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है वार्म अंडरटोन, एक होता है कूल अंडरटोन एंड एक होता है नेचुरल अंडरटोन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अंडरटोन वार्म है, कूल है या नेचुरल है, तो मैं बताती हूँ आप। जब भी हम लोग सन में बाहर निकलते हैं, तो कुछ लोग कैसे होते हैं कि उनकी जो स्किन है वो एकदम रेड रेड हो जाती है, या फिर कुछ लोगों की स्किन जो है वो एकदम पिंक या रेड हो जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका अंडरटोन कूल होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सन में बाहर निकलते हैं ना, तो उनकी स्किन डार्क हो जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका वार्म अंडरटोन होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि इनका स्किन टोन वार्म है या कूल है, तो जिसकी भी स्किन ऐसी होती है उनका नेचुरल अंडरटोन होता है। तो जैसे कि आपको समझ आ गया होगा कि स्किन टोन एंड अंडरटोन जो है वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो गाइस, जब भी आप फाउंडेशन लेने के लिए जाते हो ना, तभी हम क्या गलती करते हैं, हम अपने हाथ में फाउंडेशन लगा के चेक करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की जो हमारी स्किन है वो लाइट होती है, और हमारी फेस की जो स्किन होती है वो थोड़ी डार्क होती है। तो हमें यहाँ पर फाउंडेशन चेक करके बिल्कुल नहीं लेना है, हमें अपना जो फाउंडेशन है उसे जो लाइन पे लगा के या तो फिर नेक पे लगा के ही टेस्ट करना है। अगर वो आपकी स्किन से एग्जैक्ट मैच करता है तो वो आपका परफेक्ट शेड है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन हैं जो ऑक्सीडाइज भी होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी फाउंडेशन ले, तो आप अपने फाउंडेशन का जो शेड है वो अपनी स्किन से एक या दो टोन लाइट लें। इससे क्या होगा, हम जब भी मेकअप करेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप हमारी स्किन टोन से मैच हो जाएगा।
और इतना ही नहीं गाइज, आपको फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स का भी ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फर्स्ट थिंग मैं आपसे ये शेयर करूँगी, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो उसके दो लेयर से ज़्यादा लेयर आपको अप्लाई नहीं करने हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका जो मेकअप है ना वो पैची और केकी हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको डेली फाउंडेशन को अवॉइड करना है, आपको डेली बेसिस पे बीबी या सीसी क्रीम ही अप्लाई करनी है। अगर आप स्कूल जाते हो, टीनेजर हो या फिर आप ऑफिस जाते हो, तो आपको डेली फाउंडेशन को यूज नहीं करना है, आपको हो सके तो अवॉइड करना है। अगर आप लगाना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, लेकिन जितना हो सके उतना अवॉइड करो, बिकॉज फाउंडेशन को अगर हम डेली यूज करेंगे तो लॉन्ग टाइम पे हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि फाउंडेशन को ओवरनाइट कभी भी नहीं रखना है, आपको ऑलवेज रात को अपना जो मेकअप है उसे रिमूव करके ही सोना है। फाउंडेशन को ओवरनाइट रखने से भी बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक बात मैं आप एक और बता दूं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने फाउंडेशन या अपने मेकअप को ना डायरेक्ट फेस वॉश से ही वॉश करते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइज। आपको अपना मेकअप या फाउंडेशन ऑलवेज मेकअप रिमूवर से रिमूव करना है एंड उसके बाद ही आपको फेस वॉश का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे खास एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको ऑलवेज फाउंडेशन की एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है गाइज। आपको कभी भी एक्सपायर हुए फाउंडेशन को यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब भी आप फाउंडेशन खरीदें तब आपको मेक श्योर आपको चेक करना है कि उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है। जब भी आप फाउंडेशन को अप्लाई कर रहे हो ना, तब आपको अपने नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई करना है और आपको अपने कान पे भी अप्लाई करना है, वरना ये सब डिफरेंट दिखेगा और बहुत ही गंदा लगेगा। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि फाउंडेशन जो है ना, उसको आपको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही ऑलवेज ब्लेंड करना है। आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर जो है उसे वेट करना है, एक्स्ट्रा जो वाटर है उसे निकाल देना है एंड देन आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ, अगर आपको फाउंडेशन से अच्छे में अच्छी कवरेज चाहिए ना, तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करना है। एक यहाँ पे छोटी सी मैं पर्सनल एक टिप देना चाहूँगी, तो हो सके ना तो आपको ऑनलाइन फाउंडेशन नहीं लेना, आप हो सके ना तो खुद ही शॉप पे जाके फाउंडेशन परचेस करो, क्योंकि ये बहुत ही सही रहेगा। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे ना, तो या तो आपको कन्फ्यूज़ होगा शेड में, या फिर उन लोगों से हो सकता है मिस्टेक से अलग आ जाए, तो आपको परफेक्ट शेड लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो मेक श्योर आप हो सके ना तो आपको खुद ही जाके परचेस करना है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि आपको फाउंडेशन कैसे चूज़ करना है और फाउंडेशन के बारे में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।